फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो इसको कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ पे है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट। तो अब चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे हमारा डिस्काउंट परसेंट, अगर डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, अगर हमें मिल रहा है डिस्काउंट परसेंट बराबर 5 और हमारा डिस्काउंट है डिस्काउंट बराबर 10। अब हमें निकालना क्या है, जैसा कि मैंने बताया मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे, इनको फाइंड करना है मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को। तो यहाँ पे हमारा मार्क प्राइस क्या होगा एंड सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसको निकालेंगे हम लोग बहुत ही इजीली। यहाँ पे हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस को ही फाइंड करना है हमें। यहाँ पे बस दे दिया गया है डिस्काउंट परसेंट एंड डिस्काउंट। तो आइए हम लोग कैसे मार्क प्राइस को निकालेंगे एंड सेलिंग प्राइस को निकालेंगे, चले हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट बराबर, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है इसका फार्मूला डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है। तो हमें चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे करते हैं डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो फिर तुम इसको लगा नहीं पाओगे, इसलिए फार्मूले को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनटू 100 डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। तो अब देखो हमें डिस्काउंट परसेंट बराबर पता है हमें, यहाँ पे 5 है तो इसकी चले रखते हैं हम लोग। यहाँ पे रखते हैं डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना है 5 इज इक्वल टू, और डिस्काउंट कितना है हमारा 10 अपान, और हमें क्या निकालना है मार्क प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे देखो हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें डिस्काउंट बराबर पता है कि 5 है इस गल टू, डिस्काउंट भी पता है हमें 10 है। तो हमें पहले क्या निकालना है मार्क प्राइस, तो और इनटू 100, यही देखो यही फार्मूला है डिस्काउंट परसेंट का। अगर हम सबसे पहले मार्क प्राइस निकालना है तो यही फार्मूला हमें रखना पड़ेगा। फिर चलो क्या कहते हैं हम लोग, देखो इसके नीचे 100 के कुछ नहीं है तो इसको हम लोग मान लेते हैं 1, क्योंकि अभी हमें इसे इक्वेशन के तरीके सॉल्व करनी है। 5 के नीचे भी कुछ नहीं है, सिर्फ मानना है 1 है इसके नीचे बस। अब क्या करना है इसको, अब जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसी तरीके से इसको डायरेक्ट गुणा करके सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग 100 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं 5 upon 1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट गुणा करना है क्योंकि हमें इस इक्वेशन को बना दिया है। तो यहाँ पे हो गया, अगर 100 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 1000 upon मार्क प्राइस। अब क्या करना है इसको, अब हम लोग करते हैं मार्क प्राइस को इधर लेके आते हैं और 5 को इधर लेके आते हैं। तो 5 देखो यहाँ पे हमारा, जब 5 इस साइड में राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्क प्राइस बराबर 1000 upon 5।
तो यहाँ पे देखो हो गया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। इसको चले कट करते हैं, 5 × 5, 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मार्क प्राइस। और ये जो 2 0 है इस पे लिख लेते हैं 200, इसका मतलब कि मार्क प्राइस 200 है। देखा कितना इजी से मार्क प्राइस हमको पता चल गई, डिस्काउंट परसेंट से हमें मार्क प्राइस पता चल गई कि ये 200 है। अब देखो फर्स्ट तो निकल आया, अब सेकंड क्या हमको निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब देखो यहाँ पे हमारा मार्क प्राइस पता चल गया है 200। अगर तुम भी ऐसे ही लगाओगे तो तुम भी बहुत ही इजीली इसको लगा लोगे, बस समझना है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हमको सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करना है, डिस्काउंट बराबर जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे होता है माइनस सेलिंग प्राइस। बस दोनों ही फार्मूले से हमें सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस पता चल जाएगी। तो यहाँ पे डिस्काउंट बराबर, ये डिस्काउंट हमारा कितना है 10। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 10। अब क्या है, अब मार्क प्राइस तो हमें पता चल गई 200। तो यहाँ पे लिखते हैं 200 माइनस, अब यही निकालनी है सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, अब सेलिंग प्राइस को इस साइड में लेके आते हैं और 10 को 200 की साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा सेलिंग प्राइस बराबर, और ये देखो 10 प्लस में है और जब उधर जाएगा 200 की साइड में तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 10, क्योंकि हम इसको इक्वेशन के तरीके सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, अब देखो हमारा सेलिंग प्राइस बराबर 200 से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 190। देखो अब तुम्हें ये भी पता चल गया, पहले मैंने मार्क प्राइस निकाली, अब तुम्हें सेलिंग प्राइस भी पता चल गई। अगर तुम लोग भी ऐसे ही निकाल लोगे तो तुम लोग बहुत ही इजीली निकाल लोगे। और जहाँ तुम्हें नहीं समझ में आया हो तो वो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोग भी ऐसे ही लगाओगे तो तुम लोग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे बस डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला लगाया मैंने और डिस्काउंट का फार्मूला, और हमें पता चल गया कि हमारा मार्क प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। अगर तुम लोग भी इसी तरीके से निकालोगे तो तुम लोग बहुत ही इजीली निकाल लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी तुम मुझसे कमेंट में